नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानिका ठाकुर। शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, संसद सुरक्षा चूक के मामले में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी ललित झा के देर रात आपको बता दें कई घंटे तक पूछताछ हुई है। इस दौरान ललित झा ने पूछताछ में पूरी साजिश भी बताई है। ललित झा ने कल रात थाने में सरेंडर किया था। इसके अलावा दो और आरोपी महेश और कैलाश ने भी सरेंडर किया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। महेश पर ही ललित को छुपाने के लिए कमरा दिलाने का भी आरोप लगा है। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। ललित झा, जिसको इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड करार किया जा रहा है, उसने कल देर रात सरेंडर किया है, जिसके बाद से पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। ललित झा ने पूछताछ में पूरी कहानी समझाई है और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि ललित झा ने पूछताछ में ये भी कहा है, जो मोबाइल फोन लेकर वो फरार हुआ था, उन मोबाइल फोन को ललित ने नष्ट कर दिया। इस बीच आपको बता दें, संसद सुरक्षा चूक मामले में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जांच इलेक्ट्रॉनिक सबूतों पर जांच की है। अब सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है, तो देखिए जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ रहा है। साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे, इसको लेकर जांच अब लगातार बढ़ती हुई जा रही है। इंडिया गेट से लेकर संसद तक जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं वो खंगाले जाएंगे, क्योंकि जानकारी ये मिल पा रही थी कि इंडिया गेट में ये लोग मिले थे, उसके बाद इन्हें वो स्प्रे कैन दिए गए थे और उसके बाद वो संसद में दाखिल हुए थे। अब सीसीटीवी फुटेज जो इस पूरे रास्ते में लगाए गए उन्हें खंगाला जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितने भी वहां पर है उनके दायरे में अब कहीं ना कहीं जांच का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संसद के आसपास के डंप डेटा को भी कलेक्ट किया जाएगा, ये भी खंगाला जाएगा कि कहां कहां पर वो मौजूद थे, कहां पर उनकी मीटिंग हुई है, किस किस वक्त वो मुलाकात उन्होंने की है, ये अब सब जांच के दायरे में है। तो इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को जुटाने में पुलिस अब यहां पर लग गई है। इसके अलावा गुरुग्राम में जहां पर विक्की के घर पे वो रहे थे, वहां पर भी कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, लगातार जो है दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अभी जानकारी क्या मिल पा रही है, इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है पुलिस? एविडेंस है और बतौर पुलिस कोशिश ये कर रही है कि जो मोबाइल फोन जलाकर नष्ट कर दिए हैं उनका भी डंप डेटा वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। उसके अलावा जो आसपास जो संसद के आसपास के फोन कॉल्स डेटा थे उसको कलेक्ट कर रही है। साथ ही कई ऐसी जानकारियां जुटा रही है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से यहां पर डिस्ट्रॉय की जा सकती है, क्योंकि अब जो फोन का डेटा था, चाहे वो ललित झा का हो या फिर दूसरे आरोपियों का, उस डेटा में काफी कुछ हद तक कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हासिल हो सकता है कि इनके पीछे कोई संगठन है या नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसे संगठन का नाम यहां पर इसमें आता है या कोई मेंबर उसका मिलता है तो उससे एक बड़ी कामयाबी कहा जाएगा। लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी सिर्फ इसी बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं उसको खंगाला जाए, साथ ही ये लोग किस तरह से इस पूरे रैकेट को चला रहे थे, किस तरह से इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था और क्या इनकी मंशा यही थी या इससे आगे कुछ और था, तो ये सारे सवाल जो है इस वक्त इनसे पूछे जा रहे हैं और पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जितना भी एविडेंस कलेक्ट किया जाए वो जरूरी है, और इसीलिए ये सारी कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। बिल्कुल, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा अब खंगाला जा रहा है पुलिस की तरफ से। आनंद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, जिस तरीके से अब लगातार नए नए किरदार सामने आ रहे हैं और अभी महेश की भी भूमिका जो है सामने आई है, इसके अलावा पूछताछ में ललित की तरफ से और क्या कुछ कबूला गया है? इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन थे जो कि नष्ट कर दिए गए हैं। जो दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि फोन कॉल ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जैसा कि दीपक भी बता रहे हैं। और अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिन फोन को नष्ट किया गया है, जलाया गया है, उनके अवशेष बरामद किए जाएं। लेकिन पुलिस का यह कहना है कि उससे बहुत हद तक कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि किन किन लोगों को इन्होंने फोन किए हैं, उनके मोबाइल में किस तरह की चैट थी या किन किन लोगों के नंबर सेव थे, किन लोगों ने इन चारों से संपर्क किया, ललित से संपर्क किया, ये जानने के लिए मोबाइल फोन की बरामदगी काफी जरूरी थी। लेकिन मोबाइल फोन नष्ट कर दिए गए हैं। पुलिस को काफी उम्मीद थी कि मोबाइल फोन बरामद किए जाएंगे, अब केवल फिजिकली तौर पर जो इंट्रोगेशन में जो बयान देते हैं उसके आधार पर कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जाएंगी, क्योंकि कोर्ट में भी पुलिस ने बोला है कि आतंकी एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, एंटी नेशनल एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। क्योंकि आप देखिए, संसद भवन के अंदर संसद के सत्र के दौरान कोई भी आम शख्स इस तरह की हिमाकत नहीं कर सकता है, ये सुनियोजित साजिश थी। दो बार पहले इन्होंने रेकी की बकायदा जो जूते हैं लखनऊ में बनवाए गए उसमें कैविटी तैयार की गई, इन्हें पता था कि चेकिंग के दौरान जूते की चेकिंग नहीं होती और अगर जूते की कैविटी में कुछ सामान रख के अंदर ले जाएंगे तो आसानी से वो अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। पोस्टर जो है वो भी बराबर। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आनंद और आपका दीपक बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर पूछताछ हो रही है, लगातार बड़ी कामयाबी भी यहाँ पर सामने आ रही, बड़ी जानकारी भी निकल कर सामने आई। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पुलिस की पूछताछ में ये पता लगा है कि आरोपियों ने मोबाइल फोन जला दिए हैं ललित की तरफ से, साफ तौर पर कहा गया है। पूछताछ में आरोपी ललित ने यह भी कबूल किया है, ललित और महेश ने मोबाइल फोन जला दिए हैं,
ये जानकारी निकल कर आ रही है ललित के पास 4 साथियों के मोबाइल फोन थे और वो लगातार फरार चल रहा था, लेकिन अब ये जानकारी मिल पा रही है कि उसने मोबाइल फोन जला दिए। संसद में एंट्री से पहले आरोपियों ने अपने फोन ललित को दे दिए थे और घटना की मोबाइल रिकॉर्डिंग के बाद मौके से ललित भाग गया था, लेकिन अब ये जानकारी निकल कर आ रही है कि ललित ने और महेश ने मिलकर जो भी मोबाइल फोन उनके पास थे वो नष्ट कर दिए गए, यानी कि जो डेटा मोबाइल फोन के जरिए मिल सकता था इस पूरे मामले को लेकर वो नष्ट कर दिया गया है। अब पुलिस जो है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक सबूतों पर टिकी हुई है।